अस्सलाम वालेकुम है गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ घर में किस तरह से हम ब्लीच बनाएंगे घर की चीज़ों से और एकदम अच्छे से रिजल्ट पाएंगे, तो इस तरह की हमारी आज की कोई वीडियो होने वाली है। तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को लास्ट तक देखें। तो स्पेशली ये वीडियो गर्ल्स के लिए है, तो प्लीज़ गर्ल्स यहाँ पर हाजिर हो जाएँ। तो इस तरह वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक बॉल में डालेंगे एलोवेरा जेल, यहाँ मैं मार्केट का इस्तेमाल कर रही हूँ। और हम यहाँ पे एक चम्मच डाल देंगे कोकोनट ऑयल। अच्छी तरीके से दोनों चीज़ों को मिक्स कर लेंगे, तो दोनों चीज़ें ट्रांसपेरेंट है। मिक्स करते करते ये दोनों चीज़ें एकदम वाइट कलर की हो जाएंगी। यहाँ पे मुझे थोड़ा सा कम लग रहा था, तो मैं थोड़ा ज़्यादा इसके अंदर जो है दोनों चीज़ें ऐड कर लूँगी। ठीक है, आप अपने हैंड एंड फूड की क्वान्टिटी के अकॉर्डिंग इस्तेमाल करें। अच्छे तरीके से मिक्स कर लें काफ़ी अच्छे तरीके से, 2 से 3 मिनट तक। जब ये मिक्स हो जाएगा, इस तरह का कलर आ जाएगा, तो हम इसके अंदर शामिल कर देंगे लीमू, तकरीबन आधा छोटा चम्मच लीमू शामिल कर देंगे। लीमू हमारे स्किन को वाइट करता है, लीमू के अंदर ब्लीचिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं। इसके बाद हम शामिल कर देंगे टूथपेस्ट, तकरीबन 1 से 2 चम्मच के करीब टूथपेस्ट शामिल कर देंगे। सारी चीज़ें बहुत ही अच्छी हैं और स्किन फ्रेंडली हैं। इसके बाद हम शामिल कर देंगे यहाँ पे ब्लीच पाउडर, कोई सा भी आप ब्लीच पाउडर शामिल करें, नहीं तो आप बेकिंग सोडा भी शामिल कर सकते हैं। आपने इसे फेस पे बिल्कुल नहीं लगाना, आप पूरी ओवरऑल बॉडी पे कहीं भी लगा सकते हैं। 15 से 20 मिनट्स के लिए लगाएं, उसके बाद ड्राई आउट कर लें, हफ्ते में एक बार इस्तेमाल कर लें, इनफ है। बहुत ही बेहतरीन से बेहतरीन रिजल्ट मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नहीं हुए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और इसी तरह की मोर वीडियोज़ देखने के लिए मेरी और मेरे चैनल के साथ कनेक्ट रहें। कमेंट सेक्शन में कोई भी क्वेश्चन हो तो मुझसे पूछ सकते हैं। इसके साथ साथ मुझे इजाज़त, दुआ में याद रखेंगे, आपकी दोस्त सना। अल्लाह हाफिज़।